गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आप देख रहे हो अपना AKR करंट अपडेट चैनल। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि JKP की तरफ से और न्यू वैकेंसीज निकली हैं। तो दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर रामबन JNK जम्मू से ये नोटिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बता दूँ सब्जेक्ट ये है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जिसमें SPO की पोस्ट के लिए, SPO की पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन में, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकली है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन वाइट की जा रही है एलिजिबल कैंडिडेट से, मेल और फीमेल से, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं उनको फिलिंग अप 70 पोस्ट हैं SPO की जम्मू और कश्मीर पुलिस में डिस्ट्रिक्ट रामबन में। इनको मंथली हॉनरेरियम 6000 पर मंथ दिया जाएगा शुरू में, और जैसे ही इनका पीरियड जो है इनिशियल इनका पीरियड ख़त्म होगा तो उनके अकॉर्डिंग आगे इनकी प्रोसेस रहेगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें मैट्रिक पास है, एज की बात करें कैंडिडेट की उम्र जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है तभी वो एलिजिबल होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो मेल के लिए 1600 मीटर रेस है जो उन्होंने 6 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और फीमेल के लिए 1000 मीटर रेस है जो उन्होंने 6 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट स्टार्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे जिसमें स्क्रूटनी के तौर पर ड्यूरिंग PST होगा। इसमें मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच मीन्स 167 सेंटीमीटर मांगी है, और चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 32 है और एक्सपेंड करते हैं 33.5 है, और फीमेल के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच मीन्स 156 सेंटीमीटर मिनिमम मांगी गई है। इसके बाद पुशअप की बात करें, कोई भी मॉक जो है अलाउड नहीं किया जाएगा टेस्ट के लिए। मेल के लिए 20 जो है 1 साइकिल अप एंड डाउन को एक ही काउंट किया जाएगा और 20 मेल के ही रखे हैं, और शॉर्ट पुट फीमेल के लिए जो आपका पुशअप है वो नहीं है बल्कि शॉर्ट पुट रखा गया है 4 kg का, जो 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट में आपको वो फेंकना है, और इसके लिए भी कोई मार्क्स अलाउड नहीं किया जाएंगे। अब नोट करने वाली ये बात है कि जितने भी टेस्ट होंगे वे ये क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अटेस्टेड कॉपी के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट हम बोलते हैं क्योंकि 10th में ही डेट ऑफ बर्थ होती है, अकाडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 कॉपीज आर सेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड कॉपी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्टेड होंगे बिटवीन 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में, मीन्स कि आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें DPL फॉलोइंग प्लेसेस पे है, DPL चंद्रोग रामबन, सब डिवीजन ऑफिस बनिहार और सब डिवीजन ऑफिस गूल में। कोई भी फॉर्म जो है इस प्रेस्क्राइब डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी, पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक के 10 मार्क्स हैं, 10+2 के 12 मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रेजुएट और अबव को 15 मार्क्स दिए जाएंगे। हाइट की बात करें 5 फीट 8 इंच की 10 मार्क्स होंगे, 5 फीट 8 इंच से जो ज़्यादा होंगे उसके 11 मार्क्स होंगे, हर एक एडिशनल इंच जैसे बढ़ती जाएगी तो अकॉर्डिंगली जो है 15 मार्क्स तक आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। और फीमेल की बात करें, हाइट जो है जिनकी बिलो 5'4" होंगी तो उनकी 10 मार्क्स, और 5'4" जो जिनकी होगी उनके 11 मार्क्स होंगे और एडिशनल 15 मार्क्स दिए जाएंगे जैसे ये बढ़ता जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट या रॉन्ग डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करोगे तो वो रिजेक्ट किए जाएंगे। जो डेट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, वो आपको अलग से सेपरेटली कम्युनिकेट की जाएगी। कोई भी फीस या चार्ज एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए कोई भी नहीं है, और एंगेजमेंट जब भी होगी जो टेम्पोरेरी नेचर है, और कैंडिडेट जो है कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमें परमानेंट किया जाए। इनडिसिप्लिन किसी भी प्रकार का जो होगा तो वो इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा, मिसकंडक्ट जो एब्जेंस होगा तो उसको जो है बिना नोटिस के साथ ही उसको नलीफाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें ये फॉर्म है दोस्तों, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना और जल्दी से ये फॉर्म फिल कर दो। तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख दो। थैंक यू गाइज़।